साल की उम्र में हमेशा के लिए अपने पिता को सिर्फ और सिर्फ दुख देकर चला जा चुका है। वो लाडला बेटा, वो छोटा बेटा जो कभी पिता के चेहरे की मुस्कुराहट हुआ करता था, आज उस बेटे का नाम लेते हुए पिता की आंखों में सिर्फ आंसू हैं, क्योंकि पिता के पास वो बेटा नहीं जिसे गले लगाकर राहत की सांस ले सके। वो पिता जो बदनसीब है। जी हाँ, इस वक्त सबसे बदनसीब पिता की हम बात कर रहे हैं। वो बदनसीब पिता कोई और नहीं बल्कि राजीव निगम है। फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन और एक्टर राजीव निगम हाल ही में फेसबुक पर इस बात की जानकारी देते हुए रो पड़े, फफक पड़े कि उनके बेटे, छोटे बेटे देवराज निगम का निधन हो गया है। निधन का कारण बताया गया है कि वो काफ़ी समय से बीमार थे। आईसीयू में अंतिम समय से पहले वो काफ़ी समय तक रहे। उनकी स्थिति उसके बाद ही काफ़ी बिगड़ी। आईसीयू में भर्ती होने के बाद जब उनका ट्रीटमेंट चल रहा था तो उनकी स्थिति बिगड़ती ही चली गई, जिसके बाद वो इस दुख से बाहर नहीं निकल पाए। बीमारी लंबे समय से उन्हें जकड़ कर रखी थी, जिससे उभर पाना मुश्किल हो गया था 9 साल के देवराज के लिए। आज राजीव निगम के बड़े बेटे तो हैं, लेकिन छोटा लाडला घर का प्यारा नन्हा जा चुका है। उसके जाने के बाद राजीव को कॉमेडियन सुनील पाल का सहारा तो मिला, लेकिन जिस बीमारी से उनके बेटे परेशान थे, उस बीमारी का इलाज ना कराना, इलाज में लाचारी, इलाज में असफलता राजीव निगम को सता रहा है, जिसकी वजह से वो अपने बेटे के लिए सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि ये सरप्राइज क्यों दिया तुमने। वो काफ़ी ज़्यादा दुखी थे उनके अंतिम समय में उन्हें देखने के बाद। नेशनल न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।